हेलो दोस्तों, नमस्कार। करते हैं आज के नए ब्लॉग की शुरुआत। आज का नया ब्लॉग सुबह सुबह 8 बजे से देहरादून के एक खूबसूरत सी जगह भनियावाला से कर रही हूँ। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बता ही दिया था कि मैं देहरादून पहुँच गई हूँ, तो वो ब्लॉग भी मैंने काफ़ी टाइम पहले बना लिया था और आज मुझे कम से कम 3-4 दिन हो चुके हैं यहाँ। अभी मैंने जाना है हॉस्पिटल। दोस्तों, मैंने जैसे कि पहले ही बताया दिया था कि खुशी आने से पहले कुछ ना कुछ दुख तो आ ही जाते हैं, तो फिर से हॉस्पिटल के चक्का लगाने पड़ेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं। उससे पहले आपको थोड़ा सा भनियावाला का खूबसूरत नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं बगल में ना टेंट लगाया गया है, क्योंकि यहाँ होने वाला है रिसेप्शन आज रात को। तो अगर देखूँगी, अगर जाऊँगी तो वहाँ का एक ब्लॉग बन के आ जाएगा मेरा। देखते हैं क्या होता है। अभी फ़िलहाल मैं तैयार होती हूँ और फिर निकलते हैं हम लोग हॉस्पिटल की तरफ। और दोस्तों, मेरे साथ जा रही है मेरी बहन सानू ना, हाँ, तो मेरे साथ जाएगी ये। और हम बाद में, तो आज नाश्ता बनाने का कार्य हमारी बहन रानू के द्वारा किया जा रहा है। और नाश्ते में क्या बन रहा है आज? सैंडविच। पर मैं नहीं खा सकती, कोई फायदा नहीं है मेरा। तो यहाँ पे ब्रेडों को एकदम ब्लैक ब्लैक कर दिया गया है। नहीं, ये ब्राउन ब्रेड ही है ना? और इससे बनेंगे अभी। तो मैंने भी जैकेट पहन ली है और यही होता है हमारा तैयार होना। और अब हम लोग निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। तो दोस्तों, अब हम लोग निकलेंगे स्कूटी में और स्कूटी चलाने का काम पुनः हमारी बहन द्वारा किया जा रहा है। मैं इतनी बड़ी हो गई, मुझे तो कुछ आता नहीं है। ये अभी हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और ये सीख गए हैं स्कूटी चलाना। तो अभी इनके साथ निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। आके देखते हैं मैं बोल के वीडियो बना पाती हूँ या नहीं। वैसे तो इतना कॉन्फिडेंस है नहीं मेरे पास, फिर भी देखूँगी, कोशिश करूँगी। और मौसम हो चुके ही है वैसे भी, है ना? दोस्तों, हॉस्पिटल में तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी इधर पार्किंग करने जा रखी है मेरी बहन। तो हॉस्पिटल के इधर पार्किंग एरिया बना हुआ है, तो सारे लोग यहीं करते हैं गाड़ी पार्किंग। देख सकते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ भरी हुई हैं और मेरी बहन भी आ चुकी है। तो यहाँ पे हमने कटवा लिया है अपना पर्चा और अभी हम लोग चलते हैं अपना नंबर लगवाने के लिए। तो दोस्तों, अभी हमारा 62 नंबर है और अभी चल रहा है 39। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो तब तक हम सोचा घूम लेते हैं हिमालयन हॉस्पिटल, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। देखिए दोस्तों, देखिए बता रहा कैसे आ रही। दोस्तों, यहाँ के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हम हॉस्पिटल में आ रखे होंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत बनाया हुआ है और हम कहीं भी कहीं भी घूम सकते हैं आराम से। अभी हमने सोचा पहले हम पूरा घूम लेते हैं और उसके बाद दिखाएंगे। अब क्योंकि हमारा नंबर बहुत लेट में आने वाला है, आपको भी दिखाते हैं अच्छे से एक बार सिनेमैटिक शॉट्स। दोस्तों, इंतज़ार करते करते पूरे बज चुके हैं 12 और हम लोग हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान। अब सानू को छोड़ के मेरे साथ रानू आ चुकी है और अभी तो 50वां नंबर चल रहा है। अब वेटिंग में दिखाती हूँ कितने सारे लोग हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी भयंकर भीड़ लगी हुई है कि क्या ही बताएं। इधर भी और इधर भी सारे लोग भरे हुए हैं। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं अपना टर्न आने का, देखते हैं हमारा नंबर कब तक आता है। दोस्तों, हम परेशान हो चुके हैं। अभी हुए परेशान? तो दोस्तों, फाइनली आप सीधे मुलाकात हो रही है घर में। हम हॉस्पिटल से पहुंच चुके हैं घर और आपको बताते हुए मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि मेरी पूरी रिपोर्ट नॉर्मल निकली है। बट मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है, जब रिपोर्टें सारी नॉर्मल, मैंने पौड़ी में भी कराया, श्रीनगर में भी और यहाँ भी, सभी जगह मेरी रिपोर्ट नॉर्मल ही थी हर एक चीज़ की। पर फिर भी
पता नहीं शायद मेरे पे नज़र ही लग गई है, तो देखते हैं क्या होता है। अभी यहाँ पे रात में रिसेप्शन है, उसमें जाएंगे, तो उस ब्लॉग को भी मैं यहीं पे सीधे कंटिन्यू करूँगी और सीधे अब रिसेप्शन में मिलते हैं। तब तक मैं थोड़ा आराम करती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। तो रिसेप्शन वाला वीडियो हम आपको बाद में दिखाएंगे, इस ब्लॉग को फिलहाल कर देते हैं एंड, कल मिलेंगे नए दिन के साथ रिसेप्शन वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।